Hello students, welcome back to your own series Concept of Physics Part 1 by S.C. Verma. Until now we have completed the gravitational force of chapter number 4 and today we will discuss electromagnetic force. Electromagnetic force, kya hota hai ye? Jaisa ki iska naam se hi pata chal raha hai, electromagnetic matlab electric plus मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ओके. ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स से मिलके बना होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे हम जानते हैं ये हमारी यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो सब किससे मिलके बनी हुई है, एटम से. एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज. तो कोई भी बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, इसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है. मतलब यूनिवर्स में जो भी हमारे फोर्सेज हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स को हटा दिया जाए, उसके बाद जितने भी फोर्स बचते हैं, ठीक है, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो ये कूलम्स ये अट्रैक्शन हो, चाहे वो ये मैग्नेट का अट्रैक्शन रिपल्शन हो, वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं. वो किसकी वजह से आते हैं, जो भी हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई भी बॉडी उसके अंदर जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, ठीक है. तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब जैसे मान लीजिए दो चार्जेस Q1 और Q2 किसी r दूरी पे रखी हुई हैं, ठीक है, Q1 और Q2 चार्ज है, किसी r दूरी पे रखे हुए हैं. तो अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, मतलब पॉजिटिव हैं, या दोनों ही निगेटिव हैं, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है. लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल किस फोर्स से करेंगे, F=1/4πε0Q1Q2/r2. इसको क्या बोलते हैं, कूलम्स फोर्स, ठीक है. इसको कूलम ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं कूलम फोर्स. इसके पीछे की जो भी थ्योरी है वो आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली यूनिट है उसमें पढ़ोगे. थॉलेस ऑफ मिलेटस ने पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उसके बाद ये मैग्नेटिक अलग, सब वो पूरा आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली यूनिट में पढ़ोगे. अभी केवल इतना जानना है कि अगर दो चार्जेस, दो सिमिलर चार्जेस पास पास रखे हुए तो क्या करेंगे, ये इस फोर्स से रिपेल करेंगे. वही अगर अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ठीक, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सिमिलर सेम फोर्स से, ठीक है. फोर्स क्या रहेगा, F=1/4πε0Q1Q2/r2. इसको आप देखो ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे आप कंपेयर कर सकते हो. यहाँ पे किसकी बात होती है, मास की, यहाँ पे किसकी बात होती है, चार्ज की, ठीक है. यहाँ पे भी ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, 9×10⁹, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है जी, इसकी वैल्यू है 6.67×10⁻¹, ठीक. और बाकी ये आर क्या है, वो डिस्टेंस है दो मासेस और इसमें दो चार्जेस के बीच की, ठीक है. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए सर की बुक में. जैसे पहला है, अगर कोई भी टेबल, कोई भी बुक किसी टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, जैसे ये बुक हमारी, ये टेबल है, ठीक है, ओके, कुछ इस तरह से टेबल है, इस पे एक बुक रखी हुई है, ठीक. अब ये कैसे फोर्स लगाएगी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, पैरेलल कैसा फोर्स लगाएगी, वो कैसे डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से. इसके जो भी एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और जो टेबल के होंगे वो क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है. जब भी कोई दो बॉडीज आप एक पास में आती है तो उनके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है. कोई भी दो बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है. ये फोर्स कहां से आता है, ये फोर्स कहां से आता है, ये फोर्स आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से. इसके जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है. ये जो बुक के जो मॉलिक्यूल्स, बुक के जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, वो नीचे जाने की कोशिश करेंगे. वही टेबल के क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे. तो क्या होता है, जब ये बुक रखी हुई है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और जो टेबल के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है. तो जितना फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे. तो ये क्या होगा, ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा. फिर क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, ठीक है. तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ये पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है. इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स होगा जो टेबल की वजह से होगा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगा जो बुक की वजह से होगा.
वो क्या करेगी, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, उसका एक रिएक्शन फोर्स टेबल्स लगाएगी और एक फोर्स पैरेलल डायरेक्शन में फ्रिक्शन की वजह से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तीन फोर्स एक्ट करेंगे और ये तीनों कैसे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसकी वजह से हो रहे होंगे, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर उसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस में आ रहे होंगे। ठीक है, अब अगर ये बॉडी फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, मतलब ये स्मूथ है दोनों बॉडीज, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तभी आएगा जब दोनों के बीच की जो बॉडी, दोनों का कॉन्टेक्ट है वो रफ हो। अगर स्मूथ सर्फेस है, फ्रिक्शन लेस है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। फ्रिक्शन फोर्स कब आता है, जब हम दो बॉडीज रखते हैं और उनके बीच की जो सर्फेस है वो रफ होती है, स्मूथ नहीं होती, तब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स आता है, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स नहीं आता है, केवल एक रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, ये जो, और इसको ये भी कह सकते हो कि ये ग्रेविटी के ऐसे अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ से टेबल हटा देंगे तो ये नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों रुका हुआ है, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ये एग्जर्ट करते हैं, इसी वजह से रुके हुए हैं। ठीक है, और जब ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कौन सा ये लॉ लगता है न्यूटन का, इसी चैप्टर में बताया था, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसी अकॉर्डिंग एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, जब ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ, अगर मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस एफ फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, बैलेंस रहेंगे, रुके रहेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा एग्जांपल सर की बुक में दिया हुआ है वो टग ऑफ वॉर वाला दिया है। ठीक है, टग ऑफ वॉर सबने बचपन में खेला होगा। ठीक है, गेम होता है टग ऑफ वॉर, इसमें क्या होता है, एक रोप होती है, ठीक है, टीम वन इधर होती है, टीम टू होती है। ठीक है, मान लीजिए टीम वन में फाइव मेंबर्स हैं, टीम टू में फाइव मेंबर्स हैं, ठीक है, दोनों में फाइव फाइव मेंबर्स हैं, क्या करते हैं, ये पॉइंट होता है एक, इससे एक दूसरे की ओर खींचते हैं, अगर इसका कोई भी मेंबर इधर चला जाता है तो इस टीम में जुड़ जाता है, अगर इधर चला जाता है तो इस टीम में, मान लीजिए यहाँ पे वन इधर चला गया तो यहाँ पे वन माइनस, तो यहाँ पे फोर बचेंगे, सिक्स बचेंगे, ये टग ऑफ वार सबने खेला होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये रस्सी खींचने वाला गेम होता है, इसमें क्या होता है, जब हम रस्सी खींचते हैं या रोप खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन इन लेंथ होता है, मतलब वो लेंथ उसकी बढ़ जाती है, लेकिन हम उसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि वो जो एक्सटेंशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है। वो एक्सटेंशन किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके एटम्स होते हैं हमारी रोप के, वो क्या करते हैं, एलोंगेट होते हैं, खींचते हैं, तो क्या करते हैं, वो लेंथ जो होती है हमारी रोप की वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, लेकिन वो इतनी कम होती है कि हम उसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी अगर ब्लॉक सीलिंग से लटका हुआ है, ठीक है, कोई भी ब्लॉक कहीं किसी ये क्या कह सकते हैं, किसी चीज से लटका हुआ है हैंगिंग पोजीशन में, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो ब्लॉक ये उसके मॉलिक्यूल्स को नीचे, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे ये हमारी ये वॉल लगी हुई है, एक क्या कह सकते हैं, एक रॉड लगी हुई है, रॉड से क्या है, एक ब्लॉक लटका हुआ है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी इसके एटम्स होंगे, उनको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो सेम ये रॉड क्या करेगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये रॉड क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तब ये बैलेंस कंडीशन में रहेंगे, रुके रहेंगे, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सारे फोर्सेस कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनका रोल आ रहा है। ठीक है, वो उनकी वजह से ये फोर्स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल जो सर की बुक में दिया है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। कोई भी स्प्रिंग अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हो, ठीक है, तो ओरिजिनली जो उसकी लेंथ होती है उसको बोलते हैं हमारी नेचुरल लेंथ। ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग आप खरीद के लाए, ठीक है, तो इसकी जो पहले से मान लीजिए एक्स लेंथ है तो क्या होगी, नेचुरल लेंथ। ठीक, जब आप इसको एलोंगेट करते हो, खींचते हो, तो इसके जो भी क्या होते हैं एटम्स वो खींचते हैं, जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो इसके एटम्स और क्लोज आते हैं। ठीक है, तो जब आप खींचते हो तब भी चेंज इन लेंथ होता है, मान लीजिए डेल्टा एक्स चेंज हुआ, जब आप इसको कंप्रेस करते हो तब भी चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एक्स, तो ये जो फोर्स होता है इस पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन लेंथ। ठीक, जितना आप लेंथ में चेंज करोगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको फोर्स लगाना होगा, तो एफ क्या होगा, के डेल्टा एक्स, यहाँ पे के क्या हो जाता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आ जाता है के। ठीक, ये होता है हमारा ये फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। ओके, ये भी एग्जाम्पल किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ये जो भी आपने अभी ये पहले जो पढ़ा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो ब्लॉक वाला है, वो इसके बाद न्यूटन ये लॉ ऑफ मोशन है, उनमें सब में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे,
ठीक है, फिर जो एक्सटेंशन वाला है, जो जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ोगे तो उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। फिर ये जो स्प्रिंग वाला है, ये जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, वेव्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि ये सारे कैसे फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर और वीक फोर्सेज के अलावा जितने भी फोर्स हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ठीक है, फिर अब अगला फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जैसे नाम से ही ये समझ में आ रहा होगा कि किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस के बीच में होगा। ओके, न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो भी हमारे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा मान लिया न्यूक्लियस है, तो इसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर हीलियम न्यूक्लियस है तो उसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, अब दो प्रोटॉन है, दोनों पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अभी आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था मैंने कि जब लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपेल करते हैं, तो इस तरह से तो कोई भी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। ठीक है, दो प्रोटॉन्स हैं, या ये लिथियम बेरियम किसी की बात करो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कोई भी एटम तो उसके न्यूक्लियस में ये क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब न्यूक्लियस ये कोई भी ये रुक ही नहीं पाता और वो टूट जाता। ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ये कहां तक एक्ट करता है, 10^-14 तक, जब तक आपकी जो ये डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच में वो 10^-14 है तब तक वो एक्ट करेगा, जैसे ही इसके ज्यादा होगी, ठीक है, इससे कम होगी, सॉरी 10^-15 10^-16 पे पहुंचे, जैसे इससे कम लेंथ पहुंचे तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रोल कम हो जाता है, फिर वहां पे क्या आता है, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो क्या होता है, जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हो, वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, और सारे क्या करेंगे, बाइंड रहेंगे एक दूसरे में। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कहां पे आता है, एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जो न्यूक्लियस होते हैं वहां पे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट फोर्स है हमारा वो है वीक फोर्स। ओके, वीक फोर्स भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ये किसमें होता है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जब आप पढ़ोगे तो उसमें इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। वीक फोर्स में क्या होता है कि जैसे प्रोटॉन क्या होता है, हमारा न्यूट्रॉन में चेंज होता रहता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में चेंज होता रहता है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन भी निकलता है साथ में। ठीक है, ओके, इसी तरह से न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल। ओके, चलिए, तो ये क्या होता है, ये जो बीटा पार्टिकल्स, ये जो पॉजिट्रॉन है या बीटा पार्टिकल है, ये कैसे निकलता है एटम से, ये वीक फोर्सेस की वजह से निकलता है। क्या होता है, जब भी एटम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते रहते हैं स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है रेडियो ये पीरियोडिक टेबल में, उसमें 82 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, अनस्टेबल हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने अंदर से जो अल्फा बीटा गामा ये पार्टिकल्स निकालते रहते हैं, रेडिएट करते रहते हैं कि वो स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, ये सारे एटॉमिक नंबर के ऊपर जितने भी होंगे, ये लेड होता है, लेड के ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि उसमें ये अनस्टेबल के पीछे बहुत सारी कंडीशन है जो आप ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि ये लेड के ऊपर जितने भी होते हैं एलिमेंट्स वो सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये जो भी हमारा होता है वो अनस्टेबल होता है। तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता रहता है, तो उससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स बाहर निकलते रहते हैं। ये किस फोर्स की वजह से बाहर निकलते हैं, वीक फोर्स की वजह से निकलते हैं। और ये भी कैसा फोर्स होता है, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, ये भी जो ये न्यूक्लियस के अंदर रखता है, न्यूक्लियस के बाहर इसका कहीं पे कोई रोल नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम हर जगह पाते हैं अपने यूनिवर्स में, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप कहाँ पे पाते हो, जब कोई भी दो बॉडीज ये लार्ज मास की एक दूसरे के दूर रखी हुई, तो उनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन चार तरह के फोर्स आप पढ़ चुके हो। इसके बाद अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, वो क्या होता है वो समझते हैं। बस ये चैप्टर, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन इसका फिनिश हो जाएगा। स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है।
क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, जहां पे हमारा जो न्यूटन्स के लॉस ये या जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, ये लॉरेंज फोर्स, ये कूलम फोर्स, ये सब लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स। जहां पे ये सारे लॉज लगना बंद हो जाते हैं वहां से क्या शुरू होती है क्वांटम फिजिक्स। ये सारे लॉज हमारे क्या एक ये रेंज तक ही काम करते हैं ठीक है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में काम करते हैं। जब तक हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन में काम कर रहे होते हैं तब तक ये सारे जो भी हमारे लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं, लेकिन जैसे हम माइक्रोस्कोपिक में जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब हम क्या करते हैं जब भी हम एटम के अंदर जाते हैं ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर शॉर्ट रेंज में जाते हैं, तो क्या होता है ये सारे जो न्यूटन के लॉज हैं और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सब वहां पे फेल हो जाती है, तो वहां पे एक नई फिजिक्स शुरू होती है क्वांटम फिजिक्स। ओके, तो जितने भी फोर्स हैं उनकी क्या होती है, जितने भी लॉज होते हैं जितने भी फोर्स हैं उनकी एक ये बाउंड्री होती है कि हाँ ये यहीं तक अप्लीकेबल होंगे, इसके बाद अप्लीकेबल नहीं होती। सिमिलरली क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट चलने लगती तो वहां पे क्या शुरू हो जाती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट कोई भी बॉडी हमारी ट्रेवल करने लगती है तो वहां से क्या शुरू होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। जिसको आइंस्टीन ने दिया था आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक है, तो वहां पे क्या होती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स शुरू होती है। वहां पे भी क्या होता है हमारे जो न्यूटन के लॉज हैं वो फॉलो होना बंद हो जाते हैं ठीक है। तो क्या है स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, कि कहां तक का क्लासिकल फिजिक्स, हम डेली लाइफ में अपने क्या देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट में जाते हैं डीपली जाते हैं एटम के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्लासिकल फिजिक्स के लॉज बंद हो जाते हैं, वहां पे क्वांटम फिजिक्स के लॉज शुरू होते हैं। इसी तरह से जब भी हम कोई भी अपने पार्टिकल को कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट चलाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे भी क्लासिकल फिजिक्स के लॉज बंद हो जाते हैं, फिर वहां पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स शुरू हो जाती है ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स 10^-14 से कम जब तक हम रखते हैं अपनी ये डिस्टेंस और जो वेलोसिटी है 10^-8 से कम रखते हैं तब तक अप्लीकेबल है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये सारे क्लासिकल फिजिक्स के लॉज फॉलो होना बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वहां पे ये क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स शुरू हो जाती। तो ये अभी आप जब भी पढ़ोगे, अभी जो पहली यूनिट पढ़ रहे हो वो क्या होगा क्लासिकल फिजिक्स होगी ठीक है। इसके बाद जब धीरे धीरे आप मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे तो वहां पे क्वांटम फिजिक्स और जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे तो वहां पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा ठीक है। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस के बारे में बात करी, स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात करी, और ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन इसका फिनिश हो गया। अब इसमें क्या बचा है हमारा ये न्यूमेरिकल पोर्शन, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे पूछ सकता है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।